Question number 147. Factorize 9y square minus 4xy plus 4x square upon 9. 9y square minus 4xy plus 4x square upon 9. तो इसमें हम पहले सबसे पहले इसके फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे. 9 3 का स्क्वायर होता है तो ये होगा 3y होल स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म 4x स्क्वायर अपॉन 9 है तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, सो इक्वल टू 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर. और मिडल वाला टर्म को लिखेंगे 2 इंटू ये 3y होगा, और लास्ट वाला टर्म है 2x अपॉन 3. और अब ये होल एक्सप्रेशन जो है वो है इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर की. तो ये होल टर्म को हम लिख सकते हैं 3y माइनस 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर, सो इक्वल टू 3y माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 3y माइनस 2x अपॉन 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर.